नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। तो दोस्तों, सुपरस्टार अजय देवगन, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म टोटल धमाल बॉक्स ऑफिस पर 4 हफ्ते से ज़्यादा से चल रही है और फिल्म काफ़ी ज़्यादा अभी भी कमाई करने में कामयाब हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म टोटल धमाल धमाल सीरीज का 3रा पार्ट है। इससे पहले 2007 में धमाल फिल्म आई थी जिसमें संजय दत्त नजर आए थे। वही दोस्तों, इसके बाद में इसका 2रा सीक्वल बना था जिसका नाम था डबल धमाल, जो कि बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाई थी। लेकिन दोस्तों, इसके 3रे पार्ट यानी टोटल धमाल में इस फिल्म में अजय देवगन की एंट्री होती है और साथ ही साथ में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी भी इस फिल्म में नजर आई है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अजय देवगन, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की तिगड़ी ने इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है और पहली और दूसरी धमाल से ज़्यादा बड़ी हिट फिल्म टोटल धमाल बन गई है। आपको बता दें दोस्तों, बजट के मामले में ये फिल्म भले धमाल और डबल धमाल से ज़्यादा थी, लेकिन कलेक्शन के मामले में इस फिल्म ने अपने पहले दोनों पार्ट से ज्यादा कमाई कर ली है। आपको बता दें दोस्तों, इस फिल्म का बजट था लगभग 115 करोड़ रुपए। अब अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म का 4था हफ्ता चालू हो गया है, लेकिन अगर बात करें शुरुआती बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस फिल्म ने इंडिया में 3,750 स्क्रीन में रिलीज किया गया था और इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 16 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार किया था। वही दोस्तों, इस फिल्म ने अपने वीकेंड में 64 करोड़ की कमाई की थी और पहले हफ्ते में फिल्म के खाते में आए थे 94 करोड़ 50 लाख रुपए। वही दोस्तों, दूसरे हफ्ते में फिल्म के साथ लुका छुपी और सोन चिड़िया का क्लेश हुआ था, लेकिन दो बड़ी फिल्में रिलीज होने के बावजूद भी टोटल धमाल ने अपने दूसरे हफ्ते में लगभग 38 करोड़ का कारोबार किया था। वही दोस्तों, बात करें तीसरे हफ्ते की, तो तीसरे हफ्ते में तो इस फिल्म के साथ और भी ज़्यादा फिल्में रिलीज हो गई थी और टोटल धमाल का कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन दोस्तों, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने के बाद भी टोटल धमाल ने अपने तीसरे हफ्ते में लगभग 13 करोड़ 11 लाख रुपये का कारोबार किया। इसी के साथ दोस्तों, टोटल धमाल का जो 3 हफ्ते का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका था इंडिया में, वो हो चुका था 147 करोड़ 71 लाख रुपए। वही दोस्तों, बात करें चौथे हफ्ते के कलेक्शन की, तो फिल्म ने चौथे हफ्ते में भी अपने हर दिन 1 से 1.5 करोड़ की कमाई की और अभी तक फिल्म अच्छी खासी कमाई कर रही है। तो दोस्तों, अगर देखें तो अभी तक फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस पर 151 करोड़ का कारोबार कर लिया है सिर्फ इंडिया में। वही अगर बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो दोस्तों इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 226 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। आपको बता दें दोस्तों, फिल्म का बजट जहां है 115 करोड़ रुपए और फिल्म ने अभी तक 226 करोड़ की कमाई कर ली है, तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हो गई है। लेकिन दोस्तों, देखना यह है कि फिल्म ने अभी तक जहां 226 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, तो क्या यह फिल्म 250 करोड़ तक की कमाई करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टोटल धमाल बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ कमाई कर पाएगी या नहीं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ बॉलीवुड और साउथ की हर एक नई न्यूज के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।